अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? तो अभी दोस्तों हम अपनी मछलियों को दाना डाल देते हैं, तो मुनीब भी मेरे साथ है। तेरी मान मछली मुनीब मछली मछ ओ मछली कह रहा हूँ छिपकली वो तो पकड़ जाली है पकड़ मछलियाँ मर जाएंगी यार, ये इतनी जहरीली होती है वो गंदी। इसे बाहर छोड़ दें, इसे बाहर फेंके हैं, बाहर फेंके हैं, जल्दी जा जल्दी जा जल्दी जा जा से बाहर फेंके हो डॉक्टर मिल रो यार। यार मछलियों के एक्वेरियम में वो आ गई है यार लिजर्ट यार, इनका पानी फौरी चेंज करना पड़ेगा, वो इतनी जहरीली होती है। अल्लाह मेरी तौबा, ये पता नहीं क्या, ये भी पता नहीं गंदगी यहाँ, ये भी नहीं। जल्दी आओ यार इनका पानी चेंज करें, या मैं ना कोई डिब्बा लेके आता हूँ जिसमें मछलियाँ पकड़ती है उसमें शिफ्ट करें, वरना इन्होंने मार जाना है। मुनीब जाली से यार, ये मैं डिब्बा ले आया हूँ, जल्दी से जाली के साथ पकड़ के डालें, छिपकली का जहर ना लग गया होगा, मछलियाँ मार जाएंगे तो ये फिर फेंक देते हैं यार। हैं यार ये ना जाली फेंक देते हैं ऐसे मछलियाँ, तो ये आँख में आँख से डाल जल्दी, मुझे लगता है वो मछलियाँ ही खानी आई होगी इतनी यार, आग कैसे सकती है एक्वेरियम के अंदर। अल्लाह का शुक्र तो पानी है बच गई है, वरना भाई लगी जानी थी आज तो। यार जल्दी जल्दी ये मछलियाँ पकड़ते हैं फिर हम ना उसके अंदर शिफ्ट करते हैं। अच्छा कि यार मैं टाइम पे आ गया हूँ, दाना डालने करना था, मैंने बहाना बना लिया था, मैं दाना डालने आया था, तू देखो तू वो छिपकली आई पड़ी, एक चली गई है बाकी रह गई है मछलियाँ, भी इंशाल्लाह हम बहुत जल्द लेके आएंगे। ध्यान से चले जी। अब दोस्तों ये देखें यहाँ पे रिलैक्स हो गई हैं, ये साफ पानी में अभी लेके आया हूँ, ये मनीर अब सारा पानी गिराना पड़ेगा, इसे अच्छी तरह से साबुन से वाश करते हैं, तकरीबन एक घंटा लगेगा, तो ये काम करा फिर हम क्लियर करते हैं आपसे मिलते हैं। तो फाइनली दोस्तों पानी चेंज हो गया है और हमने बजरी वगैरह भी बिल्कुल चेंज कर दिया, अब बारी है मछलियाँ शिफ्ट करने की, जो कि ये रहे। अब मैं और मुनीब मिलके मछलियों को शिफ्ट करते हैं, चले जी मुनीब साहब। हो गई माशाल्लाह, ये देखिए दोस्तों अब काफ़ी हैप्पी हो जाएगी, वरना बहुत तंग हो रही थी यार एक छोटे से डिब्बे के अंदर। चले जी दूसरी भी शिफ्ट होगी माशाल्लाह। अभी दोस्तों शाम का वक़्त हो चुका है,
तो हमने अपने सारे पेट को दाना वगैरह डाल दिया है, बस हमारी असील मुर्गियाँ और असील जो मुर्गा वो रह गया है। असील चूज़ों ने तो खा पी लिया है दाना। ये देखें अब यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे पानी वगैरह इनका चेंज करते हैं ना, तो यहाँ पानी जो गिर जाता है उस पर ये आके खड़े हो जाते हैं, इनको सुकून मिलता है। और वहाँ पर रानी मुर्गी और दूसरी मुर्गी भी लगी हुई है खाने, उन्होंने भी खा लिया। और देसी उधर साइड पर गए होंगे, उन्होंने भी खा लिया। वो देखे देसी आ ही गए हैं यार, ये देखे माशाल्लाह से इन्होंने सारों ने दाना वगैरह खा लिया है, असीलों ने भी और देसियों ने भी खा लिया है। तो अभी इनको थोड़ी देर रिलैक्स होने देते हैं, फिर हम इनको बंद करके फिर हम अपने असील मुर्गी और मुर्गे को छोड़ेंगे, जो कि वो भी दाना वगैरह खा लेंगे। तो आज यार गर्मी बहुत ही शदीद थी, 10 मुहर्रम है आज, तो इतनी शदीद गर्मी पड़ रही थी के यार व्लॉग बनाने को दिल ही नहीं कर रहा था। लेकिन यार 3-4 दिन हो गए व्लॉग नहीं आए, क्यों क्या हुई? गर्मी की वजह से ही नहीं आए थे। अच्छा, तो अभी गर्मी, मैं कह गर्मी नहीं कम होनी तो हम व्लॉग शूट करते हैं, सही हो गया। तो अभी मुनीब भी आ गया है, तो मुनीब जो सरप्राइज है यार बता दें। अभी ना बताएं यार, एक सरप्राइज आपके लिए ला रहे हैं बहुत जल्दी, बस रेडी हो जाए वो वीडियो के लिए। तकरीबन ऑर्डर हमने कर दिया है ना? चलें जी, ऑर्डर 1 से 2 दिन के अंदर आ जाएगा जी, बुक करवा ली है। तो बाकी केजेस वगैरह अभी नहीं बने, अभी मैं आपको जाके दिखाता हूँ कि यार केजेस वगैरह के असल में मुर्गियाँ वगैरह देखे ऐसे फिर रही, इनके केजेस वगैरह बनाने हैं। तो स्लैब जो है वो भी उठने का नाम ही नहीं ले रही भाई। यार कोशिश तो बड़ी कर रहे हैं, लेकिन जो है वो यार बड़ा टाइम हो गया उतारने की कोशिश कर रहे हैं, अब स्लैब पे नहीं उतर रही। तो हम मुनीब नई बना लेते हैं, क्या ख्याल है यार? तो यार ऐसे करते हैं कि नई स्लैपें वगैरह बनाते हैं, देखें कि जिस का भी वैसे का वैसे काम रोका हुआ है। ये ज़रा आरजी ऊपर टीन वगैरह रखा है ताकि रात को मुर्गियाँ वगैरह ना यहाँ पर बंद कर ले। तो बाकी यार गर्मी की वजह से यहाँ पर तरपा वगैरह आपको पता लगा देते हैं। तो मुझे देखें मुनीब कोशिश करने लगा है, ये देखें हम जैसे उखाड़ने की कोशिश करते हैं, ये देखें आप नज़र आ रही है सारी साइडों से टूट जाती है, ऐसे काटते हैं तो मुर्गियाँ देखें शोर करना शुरू हो जाती हैं। अरे चुप करो, क्या हो गया? चलो चुप करो, क्या बात है हैं? हाँ क्या बात है हैं? क्यों शोर कर रहे हो? चुप कर जो, अभी आपको मैं छोड़ता हूँ। इनको यार छोड़ अभी नहीं छोड़ सकते क्योंकि अरे चुप करो, ये लड़ाई करेंगे इस वजह से अभी इनको छोड़ नहीं सकते। यार पीछे वाले पार्ट में मैं कह रहा हूँगा कि मैं कह रहा था कि मैंने वो ऑर्डर किया, मैंने ऑर्डर नहीं किया, वो असल में मुनीब और उमर ने ऑर्डर किया। ये मुझे कोई सरप्राइज देना चाह रहे, मैं पूछ रहा हूँ कि क्या देना है लेकिन मुझे बता नहीं रहे। मुनीब ये खड़ा वैसे पूछ लेते हैं ना, करे ऐसे शोर करेंगे मुर्गे। इधर आ, वो मुझे यार बता दो क्या सरप्राइज है मुनीब साहब। तो जब आएगा तब बताएंगे। यार इन्होंने पता नहीं उल्टा सीधा कुछ ऑर्डर कर दिया है। उल्टा सीधा नहीं है, सीधा वो चीज प्यारी है या नहीं प्यारी? प्यारी है। अगर ना प्यारी हो मैं अब जाना बड़ा फिर ना कहना। वो महंगी भी है या सस्ती है ये भी बता दो फिर। सही है, चलें जब आएगी मैं इससे पूछूंगा। इसने और उमर ने मिलकर कुछ किया है, पता नहीं क्या है यार, अल्लाह करे अच्छा ही हो। तो बाकी जब कितने दिन में आ जाएगा यार? हो सकता है आज रात को या कल सुबह। आज रात को आपने ऑर्डर कर दिया है? कंफर्म ही रात को या कल कंफर्म ऑर्डर हो गया। चलें सही हो गया जी, ये अच्छा नान होया। अच्छा, मैं बड़ा मानना यार, ये अच्छा अच्छा जे नाना खुश हो यार, इनको पकड़ लेना सही है मन। चल ये बता दो उसका कलर कैसा है, वाइल्ड है या जंगली है? जंगली डोमेस्टिक है, घरों में रहने वाला है। चलें जी फिर तो सही हो गया यार, जंगली चीज़ें नहीं ना अच्छी होती क्योंकि वैसे फिर आपको पता है जंगली होती हैं वो, फिर डिस्टर्ब होती रहती हैं हमारे पास, वो सरवाइव नहीं कर पाती और फिर प्यारी मार मुड़ जाती हैं। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक लाजमी कर दीजिएगा और हमारे चैनल मिनी फार्म 682 को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आपने यार देखा होगा कि सुबह एक्वेरियम के अंदर मछलियों के छिपकली गिर गई थी, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं
सोचा था ऐसे होगा, अब ऐसे करेंगे कि उसके ऊपर कुछ जालीदार कपड़ा वगैरह दे देंगे ताकि छपकली वो दोबारा ना आए। वो उम्मीद है कि लाजमी ही वो ना मछलियाँ खाने आई होगी। चलें मैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। इन दोनों ने मिलकर पता नहीं मुझे क्या सरप्राइज़ देने हैं। बाकी जब सरप्राइज़ वगैरह आएगा तो फिर आपसे इंशाल्लाह मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।